मामा जी का पत्र आया है, आपको प्यार भेजा है। मामा जी को सादर प्रणाम। हाँ, हम आपको पत्र पढ़ के सुनाते हैं। मुझे क्या पता? पता नहीं है, ये स्त्री के वस्त्र है। ईश्वर, स्त्री के वस्त्र उठा लो। हे शारदा, तुम मुझे पराई स्त्री के वस्त्र उठाने को कह रही हो? शिव 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 शिव। अरे अपने कान के पर्दे उठा लो और स्मरण करो हमने क्या कहा था। हमने कहा था क्या क्या कहा था? अरे हमने यही कहा था कि हमने शयन कक्ष में किसी स्त्री को घुसते हुए देखा है। कब कहा था? ना, तुमने ये कहा था कि कहाँ है वो स्त्री, तो फिर मैंने ये कहा था कि कौन सी स्त्री, कोई स्त्री नहीं है। पगली भुलक्कड़, भूल गई। आप कैसे देखते बापू, आप ही तो वो स्त्री थे। नहीं, हम अम्मा को बुलाते हैं। अम्मा! अरे नहीं, शारदा क्या कर रही हो? अम्मा सो गई होंगी, क्यों बेचारी की निद्रा में विघ्न डाल रही हो? परंतु छोड़ो, कल प्रातः बता देना। वो चिंतित हो जाएंगे तो फिर पुनः सो नहीं पाएंगे ना। प्रातः बताना। हमें तो भय लग रहा है। कोई चुड़ैल, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मुझे चुड़ैलों से कितना भय लगता है। कोई चुड़ैल नहीं है। हम हमें कार्य करते हैं, हम सो जाते हैं। कोई नहीं, सो जा, आंखें बंद करो। सो गए। बापू, शारदा को सत्य बता दो, अन्यथा किसी समस्या में फंस जाओगे। मैं डमरू क्यों बजा रहा हूँ? डमरू कौन बजा रहा है? टीप से टपाक से कपार का एक फोड़ा। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम मेघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्ट कांत मनंतकम सुरा सुरेंद्रे सिद्धेंद्रे सुरपद्य दिनेशम च गणेश मंगलायनम इदम स्तोत्रम। अब आप चिंता न करें, मैंने उस चुड़ैल को इस थैले में बंद कर दिया है। धूर्त बाबा, अम्मा और शारदा को मूर्ख बना रहा है। मैं विवश हूँ, सत्य भी नहीं बता सकता। बाबा, कोटि-कोटि धन्यवाद, आपने चुड़ैल से हमारी रक्षा की। देवी जी, ये तो हमारा प्रतिदिन का कार्य है, तो हम चलते हैं। तो अब हम चलेंगे। प्रणाम। क्या है? दक्षिणा। हाँ, लाइए। आप दक्षिणा दीजिए। आप महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हैं? ना ना। हाँ। तो दक्षिणा में कांसे की मात्र दो मुद्राएं? अब जितनी श्रद्धा उतना ही अर्पित किया है बाबा जी। यदि आपका यही अर्पण है तो मैं इस चुड़ैल
शहर को अभी मुक्त कर देता हूँ। नहीं 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 मुक्त कर दो। नहीं 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 मैं 5 स्वर्ण मुद्राओं से 1 मुद्रा भी कम नहीं लूंगा। 5 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। बापू मैंने पूर्व ही कहा था सत्य बता दो अन्यथा हानि होगी। धन्यवाद। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। रामा, अगर तू स्त्री के कपड़ों को उचित प्रकार छुपाता तो तुझे प्रातः ही 5 स्वर्ण मुद्राओं की हानि नहीं उठानी पड़ती। प्रणाम पंडित रामाकृष्णा जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, चलिए हमारे गुरु जी ने ग्रंथों के अनुवादन कार्य के लिए अभी को अभी आपको अपने भवन बुलाया है। और हाँ गुरु जी ने ये भी कहा यदि आपने आने के लिए आनाकानी की तो हम आपको ये स्मरण करा दें कि महाराज ने आपको यह आदेश दिया है कि बस 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 स्मरण है स्मरण है मुझे। आप दोनों कृपया जाएं, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं पंडित रामाकृष्णा जी, हमारे गुरुजी ने अभी का अभी आपको अपने भवन बुलाया है। किंतु अभी मुझे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने शेष हैं। महत्वपूर्ण कार्य? अरे हम किस दिन काम आएंगे, बताइए क्या करना है, बताइए जल्दी से। धनी मनी भी तो आपके सेवक आपके शिष्य जैसे है, शिष्य मानी। अच्छा उचित है, तो एक कार्य कीजिए, मुझे स्नान करा लाइए, स्नान करना शेष रह गया है। हाँ तो चलिए हम करा दे। स्नान कैसे कराएगा? पंडित रामाकृष्णा जी आप जाइए स्नान करके आइए, हम बैठे यहाँ स्नान आपकी प्रतीक्षा करते हैं। सर्वप्रथम गुरुवर से मुक्त होने का समाधान खोजना होगा, अन्यथा गुरुवर मेरा समय व्यर्थ करेंगे और मैं सिद्धसेन महोदय की समस्या का हल नहीं खोज पाऊंगा। अम्मा थोड़ा जलपान कराइए। आइए थोड़ा सा आइए लाइए। बुढ़े के यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, यही खा के चलते। आए नहीं बेटा, अरे बड़ा समय लगाते, चलो थोड़ा आराम कर ले। हे ईश्वर, कल से वो पीत वर्ण का वस्त्र नहीं मिल रहा है। ए बाबा वहीं रुको। ये वस्त्र कहां से मिले? इस वस्त्र से आपका क्या तात्पर्य? धूर्त बाबा सत्य बताइए, वस्त्र कहां से मिले तुम्हें? अरे ये वस्त्र मुझे पंडित रामाकृष्णा के घर से मिले। आई बात समझ में? अच्छा पंडित रामाकृष्णा जी पे नाम लगा रहे हो। सुनो भाइयों, देखो ये चोर है, ये खुद चोरी कर रहा है और पंडित रामाकृष्णा जी का नाम लगा रहा है। ये रामाकृष्णा, अब हम तुम्हें ऐसे उलझाएंगे ऐसे उलझाएंगे ऐसे उलझाएंगे कि ना तो तुम अनुवादन का कार्य कर पाओगे और ना ही सिद्ध सेन महोदय की समस्या से निपटने का उपाय सोच पाओगे। प्रणाम राजगुरु तथाचार्य, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
मैं वेंकटपति पुरुचुरी। कौन सी चूरी? पुरुचुरी। पूरी चूरी? पुरुचुरी। पुरुचुरी? पुरुचुरी। मदुराई से आया हूँ। तो हम क्या करें? आक्षी, श्रीलंका के बहुमूल्य हीरे हैं, एक एक हीरे का मूल्य 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं? ना 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 ना, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं? हाय, राजगुरु तथाचार्य, मेरे जो स्वामी हैं श्री रत्नाकर प्रसाद जी, वो रत्नों के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अच्छा, वो उनका तो नाम सुना हुआ है। वो इस संस्कृत ग्रंथ को प्रचलित भाषा में अनुवाद करने के इच्छुक हैं। अच्छा अनुवाद करना है। ये तुम्हारा श्री कृष्ण देवराय की हस्तलिपि? ये ग्रंथ तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? अरे तकिया क्यों हटा दिया मेरे सर के नीचे से? बड़ी देर हो गई, क्षमा कीजिएगा विलंब हो गया। हम वो पंडित रामकृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अभी तक स्नान किया कि नहीं किया? बड़ा समय लगाया पंडित रामकृष्ण ने। तो कब के स्नान करके चले गए? कब? हमने तो आपको उठाने का प्रयास भी किया था, परंतु आप लोग गहरी निद्रा में थे। बड़ा डांटे को चल चल चलते चलते क्षमा करना। हंस क्यों रहे हैं? राजगुरु तथाचार्य, धन से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, हम इसका अनुवाद नहीं कर सकते। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है हम इसका अनुवाद नहीं कर सकते। किसी और का लिखा ग्रंथ हो तो हम अनुवाद कर सकते। उचित है। मेरे स्वामी ने मुझे पंडित रामकृष्ण उनका सुझाव भी दिया था। कृपया करके मुझे उनके निवास स्थान तक का मार्ग बता दीजिए। पंडित रामकृष्ण? वो संतोषजनक नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य है उनका अनुवाद संतोषजनक है, परंतु हमारी तरह उत्तम नहीं है। इसी कारण से मैं आपके पास तो आया था, किंतु आप तो मना कर रहे हैं। अब आपके स्थान पर सारे हीरे पंडित रामकृष्ण को मिल जाएंगे। हम अनुवाद कर देंगे, परंतु ये बात किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। मैं वचन देता हूँ किसी को पता नहीं चलेगी। पक्का? पक्का। पूर्णतः पक्का? पूर्णतः पक्का। कल तक अनुवाद कर देंगे, आप अनुवादित ग्रंथ ले जाइएगा। परंतु ये बताइए कि वो कितनी प्राप्त होगी? वो दक्षिणा कितनी प्राप्त हुई? ये ग्रंथ प्रशिक्षण के लिए है,
यदि आपका अनुवाद उत्तम हुआ तो यथाशक्ति दक्षिणा के साथ साथ अनुवाद करने के लिए और ग्रंथ भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अर्थात इस ग्रंथ को अनुवाद करने की कोई दक्षिणा नहीं दोगे। राजगुरु, आप एक उत्तम अनुवादक प्रतीत होते हैं। वो तो हम हैं। तो आपका अनुवाद यदि मेरे स्वामी को भा गया तो आप तो स्वर्ण मुद्राओं में खेलेंगे। मेरे स्वामी का हृदय अत्यंत ही विशाल है। अच्छा तो स्मरण रहे, अगले ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए हम 100,000 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। कितनी लेंगे? 100,000 स्वर्ण मुद्राएं उचित है। सत्य कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ। अब आज्ञा दीजिए राजगुरु तथाचार्य। प्रणाम 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 प्रणाम। उचित प्राणी है। लक्ष्य स्वर्ण मुद्राएं। अरे बाबा, ये बाबा को क्या हो गया? प्रणाम गुरु। अरे प्रणाम 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 पंडित रामकृष्ण, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अनुवादन का कार्य आरंभ करें। क्यों करें? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि अभी हम व्यस्त हैं, आज हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। अच्छा उचित है, मैं रात्रि में आता हूँ। ठीक है, नहीं हम रात्रि में भी व्यस्त रहेंगे। तो कब आऊं गुरुवर? अनुवाद का कार्य महत्वपूर्ण है ना? हमें ज्ञात है कि अनुवाद का कार्य महत्वपूर्ण है। पंडित रामकृष्ण चिंतित मत हो, हम आपको बताएंगे कि आपको कब आना है। अभी आप जाइए, जाइए। उचित है, जब आ गया। प्रणाम प्रणाम। तो तुम मुक्त हो गया, परंतु सेठ महोदय का क्या करेगा? ढोल की पोल कैसे खुलेगी? कल दरबार में तुझे बिना स्पर्श किए ढोल बजाना है। जी हम स्वयं, हम आप हमें ये बताइए कि ये सब हो क्या रहा है, अर्थात ये महारानी तिरुमलंबा कर क्या रही है? महाराज, आपकी छोटी महारानी कविताएं लिखकर अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को उजागर करने का प्रयास कर रही है। कविताएं लिखकर? जी, वो कल हमारी भेंट सिद्धसेन महोदय से हुई थी। उन्होंने कहा
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम दोनों के मुख पर कला के देवता के ग्रह का तेज है। सिद्धसेन मांगता है। जी धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण जी, प्रणाम। पंडित रामाकृष्ण जी। प्रणाम सिद्धसेन महोदय। विजयनगर के अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बुद्धिमान व्यक्ति चुनिए ना, अपने मन पसंदीदा बुआरी को चुनी लीजिए। क्यों? वो क्या है ना, आने वाले 6 वर्षों तक आपको हमारे विशाल भवन को स्वच्छ रखने में ही व्यतीत करने, समझ गए ना आप? ठीक तो है। क्षमा करें महाराज, हम इतने उत्साहित थे कि स्वयं पर संयम ही नहीं पा सके। प्रणाम महाराज। प्रणाम, आप इतने उत्सुक क्यों हैं? महाराज, हमने वर्षा की बूंदों के ऊपर कविता लिखी है, यदि आप आज्ञा दें तो हम आपको सुनाएं। अवश्य अवश्य, आज्ञा है। महाराज, कविता का शीर्षक है वर्षा की 5 बूंदें। वर्षा की 5 बूंदें, अद्भुत अद्भुत। महाराज, हम कविता आरंभ करें? जी अवश्य। समाप्त हुई? जी महाराज, हमने बताया था कि इस कविता का शीर्षक है वर्षा की 5 बूंदे। जी बताया था वर्षा की 5 बूंदे। जी महाराज, जो चपक गई। अद्भुत, बूंदे टपक गई। आने वाले 6 वर्षों तक आपको हमारे विशाल भवन को स्वच्छ रखने में ही व्यतीत करने। रामा, क्या हुआ? तू क्यों ग्रंथ का अनुवाद कर रहा है? तेरा कार्य तथाचार्य कर तो रहे हैं, तू बस उस सिद्धसेन की समस्या का हल खोज। नहीं बंधु, अनुवादन का कार्य तो गुरुवर को मैंने केवल व्यस्त रहने के लिए दिया है, ताकि मुझे सोचने का कुछ समय और अवसर मिले। महाराज ने ग्रंथों के अनुवाद का कार्य जो मुझे दिया है ना, वो मैं स्वयं ही करूँगा। सत्यवादी पंडित रामाकृष्ण, तेरे लक्षण देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तू उस सिद्धसेन का सेवक अवश्य बनेगा। चुप कर। हे भगवान, ये ध्वनि कैसी? क्या है ये? कैसे बज रहा है? ये क्या है?
ये कौन बचा रहा है? ओ बाप रे, ए अम्मा, 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 अम्मा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? देखो, 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 क्या है? लामा, तू इससे डर रहा है? सुमन, लामा, ये तो खिलौना है जो धनेशु ने मुझे दिया था मुझे खेलने के लिए। लामा, ये ले, ले। अरे लामा, मैं तो इसे खिलकी से खींच रहा था, तुझे क्या लगा ये अपने आप चल रहा है? खिलौना है, खिलौना है। इस कार्य विधि से ये ध्वनि उत्पन्न करता है, ऐसे। डरपोक कहीं का गधा, खिलौने से डर रहा था। लामा, मैंने तू डर रहा था। चुप कर। तुम लोग क्या हंस रहे हो? ले अपना खिलौना पकड़ और बाहर आंगन में जाके खेल। कान खोल कर सुन लो सब लोग, मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ, किसी भी प्रकार का विघ्न मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। हाँ अम्मा, किसी भी प्रकार का विघ्न स्वीकार्य नहीं होगा ना? हाँ? हम जाग रहे हैं और तुम दोनों ऊंग रहे हो। इतनी रात जाग चुप कर रहे हैं क्या गुरुजी? सो गए बताते हैं। तीव्र गति से तुम धीमी गति से। सहायता करो, कल सिद्ध से इनकी चुनौती पूर्ण करनी है और अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिना स्पर्श किए कोई ढोल कैसे बजा सकता है? वो तांत्रिक बाबा सत्य तो नहीं कह रहा था? नहीं, सत्य में कोई भूत तो नहीं है जो ढोल बजाने का कार्य करते हैं? विक्षिप्त हो गया है क्या? ऐसा कैसे संभव है? Thank you.
कार्य संपन्न हुआ। वाह, अब होगी हम पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा और दरबार में हमारे परम शत्रु पंडित रामकृष्ण की हार। आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ है। अरे मूर्ख उठो, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। अरे पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ क्यों, किसलिए? आपको तो दरबार में होना चाहिए। और हाँ, आपको स्मरण करवाते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता, दुख हो रहा है कि आज आपको सिद्ध से महोदय की चुनौती पूर्ण करनी है। अरे गुरुवर, उस चुनौती ने तो मेरा जीना ही दुभर कर दिया है, किंतु महत्वपूर्ण कार्य सर्वप्रथम, तो मैंने महाराज के दूसरे ग्रंथ का अनुवाद कर लिया है, आप कृपया जांच लें। क्या है ये पंडित रामकृष्ण, क्या है ये? प्रथम पृष्ठ पर ही त्रुटियां ही त्रुटियां दृष्टिगोचर हो रही। हम पूरे ग्रंथ को जांच कर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते, हम आपके इस ग्रंथ को अस्वीकृत करते हैं। तो गुरुवर, मैं तो पंडित रामकृष्णा, ये अनुवाद अनुचित है, आपको पुनः ग्रंथ का अनुवाद करना होगा, जाइए जाके पुनः अनुवाद करके आइए। अच्छा, वैसे ये क्या है गुरुवर? अरे पंडित रामकृष्णा, ये ग्रंथ रखो, ये ग्रंथ यहाँ रखो, ग्रंथों, अरे हमें ग्रंथ पंडित रामकृष्णा, ये हमें, अरे सुनिए, ये तो महाराज द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसका अनुवाद करने के लिए महाराज ने मुझे मुझे दिया था। इसकी प्रतिलिपि आपके पास कहाँ से आई गुरुवर? यदि पंडित रामकृष्ण ने दरबार में ये बात महाराज के समक्ष बोल दी तो अनर्थ हो जाएगा, परंतु कोई बात नहीं, सिद्धसेन महोदय की चुनौती तो अभी शेष है, जिसे पंडित रामकृष्णा किसी भी सूरत में पूर्ण नहीं कर पाएगा। आज दरबार में पंडित रामकृष्णा की हार निश्चित है। देखिए पंडित रामकृष्णा, क्या है कि महाराज द्वारा रचित ग्रंथ हमें अति प्रिय हैं। अब आप कब इसका अनुवाद करते, कब हमें पढ़ने को मिलता, तो हमने क्या किया, अपने स्रोतों द्वारा इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर ली। अब हमने इसे पढ़ लिया है तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे पुस्तकालय में जमा करा देंगे। आप क्यों कष्ट करते हैं गुरुवर, मैं करवा दूंगा, मेरे पास ही रहने दे। उचित है, उचित है। मुझे इस बात का खेद है कि आपको मेरा अनुवाद उचित नहीं लगा, मैं पुनः प्रयास करूंगा। नहीं, आपका अनुवाद तो उत्तम। अभी अभी तो आपने कहा कि मेरा अनुवाद उत्तम नहीं है। आत्मविश्वास पंडित रामकृष्ण, आत्मविश्वास, हम आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहे थे, सफल हुए। आपका जो अनुवाद है त्रुटि रहित है। वाह, क्या बात है, आपने मूल ग्रंथ की आत्मा को अनुवादित ग्रंथ में भी जीवित रखा है। हाँ, अति उत्तम, धन्यवाद गुरुवर। अच्छा, अब आज्ञा दे, दरबार पहुंचकर वो सिद्धसेन महोदय की चुनौती का भी तो सामना करना है ना। प्रणाम। प्रणाम। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी सहानुभूति आपके साथ है पंडित रामकृष्ण, धन्यवाद गुरु। रुक जाइए गुरुवर। रुक जाइए, क्यों रुक जाइए? अपने सारे आभूषण यहाँ जमा कर दीजिए। आभूषण जमा कर दीजिए, क्यों कर दीजिए? देखो द्वारपाल। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आभूषण। हाँ, आभूषण की बात कर रहे थे। कृपया अपने सारे आभूषण इस थाल में डाल दीजिए। महामंत्री जी के आदेशानुसार आज दरबार में किसी भी प्रकार के धातु का प्रवेश वर्जित है। पर क्यों? महाराज की सुरक्षा हेतु गुप्तचरों द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई है।
उसी के आधार पर महामंत्री जी ने ऐसा आदेश दिया है। अच्छा 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 अच्छा, महाराज की सुरक्षा से संबंधित है तो हम अभी अपने आभूषण उतार देते। अभी उतार देते? चलो धनी मनी, आभूषण उतारो। सौदामिनी देवी जी, गुरुवर तुम भी आभूषण उतार दो ना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। सिद्धसेन महोदय, आप भी आभूषण उतार दीजिए। जी जी गुरुवर। सिद्धसेन महोदय, आपके ये हाथों के कंगन, ये भी उतार दीजिए। जी अवश्य। हम स्वयं भूल गए थे। बिना आभूषणों के ऐसा लग रहा है जैसे हम निवस्त्र हो गए। और महारानियों ने तो आभूषण पहने हुए हैं। गुरुजी जाइए जाइए, महाराज के आभूषण उतरवाइए। महाराज के साथ साथ महारानियों के भी आभूषण उतरवा दीजिए। हम अभी उतरवा के। ए मूर्खो, हमें मरवाओगे? प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महाराज। मंत्रीवर ये क्या, पंडित रामकृष्ण जी तो बहुत ही बेसुरा बजा रहे हैं। ये पंडित रामकृष्ण है, कभी भी सुर में आ सकते हैं। हाँ, समझ गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम बड़ी महारानी जी। प्रणाम छोटी महारानी जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज, मुझे अत्यंत ही खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिना स्पर्श किए ढोल बजाने की चुनौती में मैं विफल रहा। क्या? किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। हाँ, आज का दिवस ही तनिक असाधारण सा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन सिद्धसेन महोदय भी बिना स्पर्श किए ढोल बजा नहीं पाएंगे। हो पंडित रामकृष्णा, ये अपनी असफलता का ठीक रहा सिद्धसेन महोदय पर मत फोड़िए। सिद्धसेन महोदय। जी गुरुवर। बिना ढोल को स्पर्श किए अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कीजिए। ये तो विद्वान है, बगैर हाथ लगाए बजा देते हैं ढोल। वो
मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुवर, आज के दिन सिद्धसेन महोदय के लिए भी बिना स्पर्श के ढोल बजाना संभव ही नहीं है। हाँ महाराज। सिद्धसेन महोदय चलिए ना, रुक क्यों गए आप, चलिए। जी 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 गुरुवर, वो बिना ढोल स्पर्श किए ढोल बजाइए। सिद्धसेन महोदय। महाराज महाराज, पंडित रामाकृष्ण जी उचित कह रहे हैं। आज अमावस्या है, अमावस्या, और अमावस्या के दिवस हमारे अद्भुत कला का प्रदर्शन हम नहीं कर सकते। देखिए मणि प्रतीत होते रामा में प्रेत आ गया, बिना हाथ लगाए बजा रहा है ढोल। पंडित रामाकृष्ण जी ने तो असंभव को संभव कर दिया। इसीलिए तो पंडित रामाकृष्ण हमारे राज दरबार के अष्ट दिग्गज हैं। पंडित रामाकृष्ण, ये क्या, अभी तो आपने कहा था कि आज के दिवस कोई बिना स्पर्श किए ढोल नहीं बजा सकता है, अभी आप स्वयं ऐसा कर रहे हैं। अब सिद्धसेन महोदय चलिए, आप भी ऐसा ये बिना ढोल को स्पर्श किए ढोल बजाइए। मैंने कहा ना गुरुवर, आज के दिन सिद्धसेन महोदय ढोल बजा ही नहीं पाएंगे। अवश्य कर पाएंगे, पूर्व में भी इन्होंने करके दिखाया है। क्यों, सिद्धसेन महोदय करके दिखाया है ना। सिद्धसेन महोदय, सिद्धसेन महोदय, पंडित रामकृष्ण, हम चाहते हैं कि आप हमारी, गुरुवर की और यहां पर उपस्थित सभी दरबारियों की जिज्ञासा को शांत कीजिए और बताइए ये ढोल का रहस्य क्या है, ये कैसे बजाया आपने। जो आ गया महाराज। ये क्या है मंत्रीवर, हमें ज्ञात नहीं परंतु कुछ तो है। महाराज, भ्रामकम चुंबकम चैव कर्षक द्रावकम तथा एवं चतुर्विधम कांतम रोम कांतम च पंचमम,
एक वित्रि चतुः पंच सर्वतोमुखमेव तत् पीतम कृष्णम तथा रक्तम त्रिवर्णम स्यात् पृथक पृथक। अर्थात चुंबक पांच प्रकार के होते हैं, क्रमशः भ्रामकम, चुंबकम, कर्षकम, द्रावकम और रोमकांतम। ये एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी और बहुआयामुखी भी हो सकते हैं। और प्रत्येक चुंबक हमें तीन वर्णों में अर्थात पीत वर्ण, श्याम वर्ण और रक्त वर्ण में प्राप्त होते हैं। महाराज इस पदार्थ को अयस्कांत कहा जाता है, जिसे जनमानस की भाषा में चुंबक भी कहते हैं। ये लोहे के पदार्थ की तरफ आकर्षित होती है और यही युक्ति लगाकर सिद्धसेन महोदय बिना स्पर्श किए ढोल बजाते थे। ढोल के पास लोहे के कड़े पहने हुए दो हाथ आते थे और ढोल के अंदर छिपा हुआ चुंबक लोहे के कड़ों के प्रति आकर्षित होकर ढोल के भीतर ही ढोल से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता था। और इसी कारणवश मैंने सुरक्षा के बहाने सिद्धसेन से उनके लोहे के कड़े उतरवा लिए, जिससे वो ढोल बजाने में असक्षम रहे। महाराज जो ध्वनि हमें सुनाई देती थी वो बाहर से नहीं अपितु ढोल के भीतर ही ढोल से टकराकर उत्पन्न की हुई ध्वनि होती थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि सिद्धसेन महोदय के ढोल के अंदर भी लोहे का पदार्थ अवश्य है, जिससे ये चुंबक उससे चिपका रहता था और ढोल खोल कर दिखाने पर और उलट पुलट करने पर भी चुंबक नीचे नहीं गिरता था। अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं धनी। क्षमा कर दीजिए हमें महाराज, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, त्रुटि हो गई हमसे। ओहो सिद्धसेन, हमें तुमसे बहुत आशाएं थी, तुमने हमारी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। गुरु बहन, हम आपके भी दोषी हैं, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। महाराज ये सिद्ध सैन के ढोल की पोल खुल चुकी है। इस सिद्ध सैन ने ना केवल हमारी अपितु दरबारियों की, समस्त विजयनगर स्वयं आपकी आदरणीय रानियों की भावनाओं को आहत किया। अपराधी है ये सिद्ध सैन। महाराज हमारा आपसे अनुरोध है, इस सिद्ध सैन को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। महाराज मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है पंडित रामकृष्ण। महाराज ये सत्य है कि सिद्धसेन महोदय ने हम सभी को मूर्ख बनाने का प्रयास किया और इस प्रतिस्पर्धा की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई। किंतु ये भी सत्य है कि इनकी ये कला स्वयं में अद्वितीय है। पंडित रामकृष्ण ये क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति पंडित रामकृष्ण को अपना सेवक बनाना चाहता था उसी का पक्ष ले रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज लोहे के कड़ों की सहायता से ढोल के अंदर छुपी हुई चुंबक द्वारा ढोल को सुर में बिना किसी त्रुटि के बजाना अपने आप में अद्वितीय नहीं तो और क्या है महाराज। महाराज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सिद्धसेन महोदय को इस शर्त पर क्षमा दान दें कि वो भविष्य में कभी भी किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे। क्यों सिद्धसेन महोदय, आपको यह शर्त स्वीकार है? स्वीकार है महाराज, स्वीकार है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
हम आपको वचन देते हैं महाराज, भविष्य में अपनी कला द्वारा हम किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे, कोई दुष्कार्य नहीं करेंगे। क्षमा कर दीजिए हमें महाराज, क्षमा कर दीजिए। उचित है सिद्धसेन महोदय, हम आपकी त्रुटि क्षमा करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामकृष्ण जी क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप श्रेष्ठ हैं, क्षमाशील हैं। हमने समस्त दरबारियों के समक्ष आपका अपमान किया, आपको नीचा दिखाने की चेष्टा की, किंतु उसके पश्चात भी आज आपने महाराज के सामने हमारा पक्ष लिया, हमें समाधान प्रदान करवाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपको भी वचन देते हैं कि भविष्य में अपनी कला द्वारा किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे। क्षमा कर दीजिए हम। पंडित रामकृष्णा महाराज, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने ना केवल सिद्धसेन महोदय का घमंड ध्वस्त किया, अब तो समस्त विजयनगर राज्य को उनके छल से अवगत कराया। पंडित रामकृष्णा, आपने बहुत विलंब किया। यदि हमें पूर्व में ही ज्ञात होता तो हमारी इतनी सारी तरकारी और खीर नष्ट नहीं होती। परंतु आज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और इस विशेष अवसर पर हम आपको ज्वालामुखी के लाए हुए जंगलों से कुकुर मुत्ते की सब्जी खिलाएंगे। जी अवश्य खिलाइएगा, अवश्य खिलाइएगा। जी छोटी महारानी जी, धन्यवाद। ज्वालामुखी में पके कुकुर मुत्ते की धन्यवाद। पंडित रामकृष्णा महाराज, यही आपका पुरस्कार होगा। अच्छा महाराज, अब आप विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ को सम्मान देकर कृपया गौरवान्वित करें। अवश्य अवश्य। महामंत्री जी, समिति द्वारा चयनित विजयनगर के श्रेष्ठ संगीतकार हैं आलाप राजू गरुड़ाद्री। धन्यवाद महाराज। मैंने आपके द्वारा दिए गए दूसरे ग्रंथ का अनुवाद भी कर लिया है महाराज। यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रदान करूं। अवश्य। पंडित रामकृष्णा, कोई बात नहीं, अभी तीन ग्रंथ और शेष हैं। हम भी देखते हैं तुम उन ग्रंथों को कैसे पूर्ण कर अपने अष्ट दिग्गज के पद की रक्षा करते हो। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, जब तक आप जैसे कर्मपरायण व्यक्ति हमारे विजयनगर राज्य में उपस्थित हैं, तब तक हमारी प्रजा की अपने कर्म के प्रति निष्ठा बनी रहेगी। हमारा मानना है कि आप उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं और आप जैसे व्यक्ति के रहते हुए वो कभी अपने कर्तव्य के पथ से भटकेंगे नहीं। साधो पंडित रामकृष्ण, साधो। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण।
अरे गुंडप्पे, तू गुरुकुल नहीं गया? अम्मा शारदा कहाँ है? अम्मा शारदा मंदिर गई है, वो आ जाएंगे तो मैं गुरुकुल चले जाऊंगा, तब तक मैं भास्कर की देखभाल कर लाऊ। तू कब से इतना कर्मठ हो गया जो दिए गए कार्य को इतनी गंभीरता से कर रहा है? शालता ने कहा है कि वो आते समय मेरे लिए घंटियां लेकर आएगी। तभी तो खेल। चल भास्कर एक खेल खेलते। मुझे तेरे साथ बालकों वाला कोई खेल नहीं खेलना। तिलिया उल। भास्कर तिलिया आकाश में उलती है, पुनः खेलते। जब तक चिड़िया नहीं उड़ाऊंगा ये गुंडप्पा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तिलिया उल, कोयल उल, हाथी उल। अरे भास्कर तू तो हार गया, हाथी थोड़ी ना उलते, वो तो चलते हैं। कोई बात नहीं पुनः खेलते। हंस उल। अरे भास्कर गुंडप्पे, हंस है कहाँ? क्यों भास्कर को दिव्य स्वप्न दिखा रहा है? लामा ये तो मतलब खेल है। खेल है किंतु काल्पनिक है, यथार्थ में कौवा कोयल हंस कहाँ है? सब स्वप्न में ही है ना। तू मेरी बात मान, तू भी ये खेल खेलना बंद कर दे। दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई ना तो जीवन में सफलता के लिए हानिकारक होगी। अब लामा तू मेरे सपना देखने पर भी प्रतिबंध लगा दे। पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा, स्वप्न देखना भी आवश्यक होता है। प्रणाम मंत्री भाई। प्रणाम। ये सत्य है पंडित रामकृष्णा कि अधिकांश स्वप्न पूर्ण नहीं होते, परंतु स्वप्न कम से कम मिथ्या संतुष्टि तो प्रदान कर सकते हैं। कुछ ना होने से तो कुछ होना उचित है। अब ये चर्चा का विषय है मंत्री भाई, इसे किसी अन्य समय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि आना कैसे हुआ, सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है पंडित रामकृष्णा। वो क्या है कि मिथिला प्रदेश के राजदूत आज हमारे विजयनगर दरबार में पधार रहे हैं, तो हम उनकी अगवानी के लिए जा रहे थे और मार्ग में आपका भवन पड़ गया, तो हमने सोचा कि आपसे भेंट कर लें। उचित किया, मिथिला प्रदेश के राजदूत जी। तो पंडित रामकृष्ण हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। मुझे भी शीघ्र स्नान करके दरबार के लिए निकलना चाहिए, विलंब हो गया तो महाराज फिर से डांटेंगे। क्या मीनार? कुतुब मीनार। ऐसा कोई मीनार विजयनगर में नहीं है। विजयनगर? कोई विजयनगर कुतुब मीनार के पास नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है और वो वहां भी नहीं है तो मियाँ फिर हम यहाँ पर क्यों हैं? हाँ?